दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप के सुपर 8 में अफगानिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भी रोहित शर्मा ने गुस्से में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया की बदलकर रख दी पूरी प्लेइंग 11। कोहली समेत दो दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर दिया ऐसे खूंखार खिलाड़ियों को मौका, जिसे देखकर तो बांग्लादेश की टीम अभी से थर थर कांपना शुरू कर दी है। तो आखिर रोहित शर्मा ने विराट के साथ किसे किया टीम से बाहर, किसे अब देने वाले हैं रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ जलवा दिखाने का मौका, अब कैसी नजर आ रही है रोहित के द्वारा बनाई गई नई टीम, ये तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा इस बार भारतीय टीम को ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लीग मैच में सभी मुकाबले जीतने के बाद अब टीम इंडिया ने सुपर 8 में अफगानिस्तान को 47 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर एक बार फिर से टीम इंडिया विराजमान हो चुकी है। अब टीम इंडिया की अगली चुनौती 22 जून को बांग्लादेश के खिलाफ होनी है। यह मुकाबला सर विवान रिचर्डसन स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया है। अगर यह मुकाबला भी भारतीय टीम जीतती है तो बड़ी आसानी से सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। हर कोई इस मैच के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बांग्लादेश की टीम ने इस वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाया है और सुपर 8 में जगह बनाई है, यानी कि यह मुकाबला हाई वोल्टेज का होने वाला है। करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मैच के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों टीमों में एक से एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं, लेकिन टीम इंडिया का इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा संकट ओपनिंग दो जोड़ी में देखने को मिला है, जहां विराट और रोहित हर मैच में ओपन करने आते हैं मगर अभी तक कुछ खास प्रदर्शन इन दोनों खिलाड़ियों ने नहीं दिखाया है। इसलिए बांग्लादेश के सामने ये जोड़ी को चलना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा ने एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बाद भी रोहित ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैच से पहले पूरी प्लेइंग 11 बदल कर रख दी है। आपको बता दें, उन्होंने किंग कोहली के साथ साथ रविंद्र जडेजा को टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर हर किसी को हैरान कर दिया और एक ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसे देखकर तो बांग्लादेश की टीम अभी से थर थर कांपना शुरू कर दी है। चलिए हम आपको रोहित शर्मा के द्वारा बनाई गई नई प्लेइंग 11 दिखाते हैं कैसी नजर आ रही है टीम। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैच के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग करने की जिम्मेदारी अपने और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर रखी है। वहीं रोहित शर्मा ने विराट कोहली को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोहली पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप दिखाई दिए, वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने थोड़े रन बनाए लेकिन लीग मैच में वो गोल्डन डक पर आउट हो गए, जिसके कारण गुस्से में आकर रोहित शर्मा ने उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर जायसवाल पर पूरा भरोसा जताया है और बांग्लादेश के खिलाफ टीम में शामिल कर लिया है। रोहित शर्मा ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को एक बार फिर से मौका दिया है। ऋषभ ने हर मैच में शानदार प्रदर्शन दिखाया है। आयरलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका या फिर अफगानिस्तान, हर टीम के खिलाफ इन्होंने रन बनाए हैं, इसलिए रोहित शर्मा इन पर सबसे अधिक भरोसा जताए हैं और उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ भी टीम में शामिल किया है। रोहित शर्मा ने नंबर 4 पर एक बार फिर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव को टीम में रखा है। इन्होंने अमेरिका के बाद अब अफगानिस्तान के खिलाफ अकेले दम पर अर्धशतक लगाकर टीम को जीत दिलाई थी, इसलिए एक बार फिर रोहित शर्मा ने सबसे अधिक भरोसा सूर्य कुमार यादव पर जताया है और इन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टीम में रखा हुआ है। वहीं नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा ने एक बार फिर सबसे अधिक भरोसा जताते हुए शिवम दुबे को मौका दिया है। अभी तक इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया है लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर टीम को संभाला था, इसलिए ये बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा ने अपने सबसे फेवरेट खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को टीम में रखा है। अभी तक हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन वर्ल्ड कप में बेहद शानदार रहा है, गेंद और बल्ले दोनों से इन्होंने कमाल दिखाया है, इसलिए ये बांग्लादेश के खिलाफ भी खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं रोहित शर्मा ने सबसे बड़ा बदलाव स्पिन डिपार्टमेंट में किया है। रविंद्र जडेजा को टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर उन्होंने एक खूंखार बल्लेबाज को टीम में मौका दिया और वो रिंकू सिंह। जडेजा की जगह रिंकू सिंह मैदान पर तहलका मचाते हुए नजर आएंगे, यानी कि एक स्पिनर के साथ भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी और वो भूमिका निभाएंगे अक्षर पटेल। अगर वहीं हम तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो रोहित शर्मा ने कोई बदलाव नहीं किया है। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को टीम में रखा हुआ है। ये तीनों गेंदबाज भारतीय टीम को किसी भी परिस्थिति में मैच जिता सकते हैं, इसलिए रोहित शर्मा ने सबसे अधिक भरोसा इन्हीं गेंदबाजों पर जताया है और टीम में रखा हुआ है। आपको बता दें, इसी टीम के साथ कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उतरेंगे तो ऐसी नजर आ रही है भारत की खूंखार प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, कप्तान रोहित शर्मा इस बार भारतीय टीम को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं, कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में ऋषभ पंत कोहली के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसा धोया कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया।
तो आखिर कैसे इन तीनों सुपरस्टार खिलाड़ियों के सामने थरथराती कांपती नजर आई बांग्लादेश की टीम? किस किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के और किसने बनाए कितने रन? कैसे पंत कोहली ने मिलकर तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड और भारत को दिलाई मैच में कभी न भूलने वाली जीत? इन दिनों बल्लेबाजों की तूफानी पारी और भारत की जीत तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के लैच में सभी मैच जीतने के बाद अब सुपर 8 में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अब भारत की सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने बांग्लादेश की टीम मौजूद है। दोनों टीमें आमने सामने मैदान पर उतरी। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन रोहित शर्मा के लिए यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम के सामने 20 ओवर में 208 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। बांग्लादेश की तरफ से साकिब अल हसन ने 60 रनों की पारी खेली, वहीं महमूदुल्ला ने 72 रन बनाए और अपनी टीम को यहां तक पहुंचा दिया, भारत के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य भी खड़ा कर दिया। ये लक्ष्य देखकर भारतीय फैंस काफी निराश थे क्योंकि ये लक्ष्य काफी बड़ा था, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत एक बार फिर खराब हुई। रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को पहला झटका बहुत जल्द लग गया। अब मैदान पर विराट का साथ देने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे। विराट कोहली ने पहले ही ओवर से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे। मेहदी हसन से लेकर तस्कीन अहमद, यहां तक कि मुस्तफिजुर रहमान और तंजीब हसन, साकिब हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मुस्तफिजुर रहमान के ओवर में ऋषभ पंत ने एक दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतक की साझेदारी बना ली। वहीं ऋषभ पंत का साथ विराट कोहली भी भरपूर निभा रहे थे, चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक भी केवल 21 गेंद में ठोक दिया और विराट कोहली भी अपने अर्धशतक के करीब जा चुके थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था और भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंच चुका था। तस्कीन अहमद की गेंद पर विराट कोहली ने खतरनाक अंदाज में 2 छक्के जड़कर अपना अर्धशतक ठोक दिया। टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी भी जीत के लिए काफी रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी मुस्तफिजुर रहमान ने विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 125 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। विराट कोहली 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। और आते ही सूर्य कुमार यादव ने मेहदी हसन की गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और ऋषभ पंत तो घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि आज उनके सर पर खून सवार है। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और रॉकेट की रफ्तार की तरह बढ़ रहे थे, बेहतरीन अंदाज में टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा रहे थे। देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव ने केवल 14 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका था और अब भारतीय टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 44 रनों की जरूरत थी। अभी भी मैदान पर ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव टिके हुए थे और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। हर किसी की निगाहें इन्हीं दोनों खिलाड़ियों पर थी और टीम के लिए 19 ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान के ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अकेले ही 26 रन ठोक दिए और अब टीम इंडिया को एक ओवर में जीत के लिए 6 गेंद पर 18 रनों की जरूरत थी। हर किसी की सांसें थम चुकी थी और हर कोई फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज तस्कीन अहमद स्ट्राइक पर मौजूद थे। ऋषभ पंत तस्कीन की पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और टीम इंडिया को जीत के लिए 5 गेंद पर 12 रनों की जरूरत थी। ऋषभ पंत उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए और दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अब भारतीय टीम की जीत आसान हो चुकी थी और 4 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन तस्कीन की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत एक भी रन नहीं बना पाए और मैच पूरी तरह से फंस चुका था। टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद बेन स्टॉक्स ने दिया बड़ा बयान। साउथ अफ्रीका की टीम का मजाक उड़ाने के साथ भारतीय टीम के खिलाफ उगला जहर। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में इंग्लैंड की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद बेन स्टॉक्स का बयान सामने आया है। इस बीच उन्होंने जीत के बाद एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार इंग्लैंड की जीत के बाद बेन स्टॉक्स ने क्या कहा, यह तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बेन स्टॉक्स और रोहित शर्मा में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच आज वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया।
इस बीच साउथ अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर के अंदर 163 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इसका पीछा करने के लिए आई इंग्लैंड की टीम ने 54 रन पर 3 विकेट 9 ओवर के अंदर दे दिए। लेकिन इंग्लैंड की टीम इस मैच के अंदर जीत गई। ऐसे में इंग्लैंड की टीम को मिली जीत के बाद बेन स्टॉक्स का बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच उन्होंने जीत के बाद साउथ अफ्रीका की टीम का मजाक उड़ाने के साथ भारतीय टीम को धमकाते हुए अब जहरीला बयान जारी कर दिया है, जिसमें बेन स्टॉक्स ने बयान देते हुए कहा है कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस मैच में हमारी इंग्लैंड की टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इंग्लैंड की टीम ने इस मैच के अंदर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है। आज के दिन जिस प्रकार से इंग्लैंड की टीम के लिए सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और इसके बाद सभी बल्लेबाजों ने बेहतर बल्लेबाजी की है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज इंग्लैंड की टीम की तरफ से ये सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं करते तो शायद साउथ अफ्रीका की टीम को जीत मिल सकती थी। लेकिन इस मैच में हमारी टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। मेरा मानना है कि साउथ अफ्रीका की टीम अभी भी बेहतर रणनीति के साथ वर्ल्ड कप नहीं खेल रही है।